तो बड़ी कवरेज न्यूज नेशन की लगातार जारी है। सीधा रुख करते हैं होटल अशोका का। हमारे सहयोगी विद्या राजा हमारे साथ जुड़े हुए हैं, साथ ही साथ तमाम खास मेहमान और हमारे सहयोगी भी हमारे साथ बने हुए हैं। विद्या, जी बिल्कुल अनुराग, और देखिए मैं कुछ तस्वीर आपको यहाँ की बाहर की दिखाना चाहता हूँ। अशोका होटल के बाहर अब जो फैंस हैं वो भी जुटने लग गए हैं। देखिए हाथ में तिरंगा लेकर कुछ लड़कियाँ मुझे नजर आ रही हैं, इधर देखिए ये बड़ा सा झंडा लेकर एक शख्स नजर आ रहे हैं, और पूरा अब यहाँ का माहौल जो है वो बनने लग गया है। अब ये लगने लग गया है कि यहाँ पर हमारे पदक वीर आने वाले हैं और उनके इंतजार के लिए लोग किस तरीके से यहाँ पर तैयार होकर आए हैं वो हम आपको दिखाना चाहते हैं। देखिए यहाँ पर खचा खच भरे हुए लोग हैं, यहाँ पर मीडिया कर्मी तो दिखाई आपको दे ही रहे होंगे, लेकिन इसके अलावा देखिए सुरक्षा का भी इंतजाम किया गया है। जिसको जहाँ से मौका मिल रहा है वो चाह रहा है कि जब ये पदक वीर यहाँ पर आएंगे तो उसकी एक झलक वो देख लें, और शायद अपने दिल में कुछ हो तो वो उनसे संवाद भी कर सके, बता भी सके। दामिनी हमारे साथ हैं, और क्योंकि अनुराग हम अपने दर्शकों को लगातार तमाम वो कहानियां इन खिलाड़ियों के बारे में बता रहे हैं जो बहुत ही दिलचस्प है, संघर्ष की कहानी है, और ऐसी कहानी है जिसे सुनकर देखकर आप अपने बच्चों अपने परिवार के लोगों को बताएंगे और गर्व से आपका सीना आज चौड़ा हो रहा होगा, लेकिन आपके बच्चे जब ये कहानी सुनेंगे देखेंगे तो वो भी प्रेरणा लेकर आगे बढ़ सकते हैं। दामिनी ज़रा बताइए कि नीरज जो स्वर्ण लेकर आए हैं, गोल्ड मेडल लेकर आए हैं, उनके बारे में कुछ ऐसी कहानी, कोई ऐसी बात है जो आज पूरे देश को जानना भी चाहिए, सुनना भी चाहिए? जी बिल्कुल, नीरज के बारे में काफ़ी कहानियां हैं। वो एक हरियाणा के पानीपत इलाके से आते हैं। पानीपत की वैसे तो लड़ाई कितनी मशहूर ही रही है, सब लोग जानते ही हैं वो पूरी हिस्ट्री, और वहाँ का लड़का आज एक छोटे से गाँव का, छोटा सा उनका परिवार है, वहाँ का लड़का जो आज एक गोल्ड मेडल लेके आया है। उन्होंने वो बचपन में, अभी वो उनकी इतनी फ्लेक्सिबल बॉडी हुआ करती है, लेकिन बचपन में काफ़ी। देखिए मैं अपने दर्शकों को ज़रा तस्वीर दिखाना चाहता हूँ। यहाँ पर देखिए हलचल काफ़ी तेज़ हो गई है, गाड़ियों का काफिला यहाँ पर आ रहा है, और आप इसमें देख सकते हैं कि लगातार जो गाड़ियाँ आ रही हैं इसमें अब ये जो हमारे पदकवीर हैं वो आने शुरू हो गए हैं। तस्वीरों में हम देख सकते हैं जो पदकवीर हैं वो जा रहे हैं। ये देखिए मैं अपना कैमरामैन से कहूँगा कि आप अगर दिखाने की कोशिश करें, अगर आप दिखा पाएँ तो दिखाइए कि किस तरीके से अब यहाँ पर वो खिलाड़ी पहुँच गए हैं। हमारे जो पदकवीर हैं वो अशोका होटल पहुँच गए हैं, हाथ में उनके मेडल है और दिल में लोगों के सम्मान है, यानी कि जो हमारे तमाम देशवासी हैं, जो लोग हैं वो आज उनके सम्मान के लिए यहाँ पर खड़े हैं। हम आपको दिखाना चाहते हैं तस्वीरों में, हम आपको दिखाना चाहते हैं कि देखिए यहाँ पर गेट पर काफ़ी हलचल तेज़ हो गई है, बैरिकेड्स पहले से लगाए गए थे लेकिन अब जब यहाँ पर पहुँच गए हैं तमाम खिलाड़ी तो उसके बाद देखिए हलचल और तेज़ हो गई है। हमारे सहयोगी अरविंद हमारे साथ मौजूद हैं। अरविंद, गाड़ियाँ आ गई हैं, कौन कौन से खिलाड़ी यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं? देखिए तमाम जो खिलाड़ी हैं वो यहाँ पर पहुँच रहे हैं, और ये सारे वो खिलाड़ी हैं जिन्होंने देश का मेडल जीत करके लिए देश के लिए मेडल जीत करके देश का नाम रोशन किया है। खिलाड़ियों का जो आवाजाही है वो शुरू हो रही है, और इसमें सातों जो पदकवीर हैं उनके आने की उम्मीद है, उनको इनवाइट किया गया है। इसके अलावा देश की जो हॉकी टीम है जिसने कांस्य पदक जीता, 41 साल बाद देश के स्वर्ण इतिहास में ये मौका आया, वो पूरी टीम यहाँ पर पहुँचेगी। अभी सुरक्षाकर्मी जो है वो यहाँ पर पहुँचे हैं, और उसके बाद धीरे धीरे करके खिलाड़ियों के आने का जो सिलसिला है वो अंदर शुरू होगा। जी खिलाड़ियों के आने का सिलसिला शुरू हो गया है, हमने देखा था एयरपोर्ट पर किस तरीके से खिलाड़ियों को स्वागत किया गया, और उसके बाद देखिए अशोका होटल के बाहर खिलाड़ियों का इंतजार किया जा रहा था, अब खिलाड़ी यहां पर हमारे सहयोगी विद्यानाथ झा दिखा रहे होटल।